और तकरीब
होगा ये बात करेंगे। रुक जा भैया, रुक जा, अभी रुक जा, चलिए बात भी करेंगे। सिवान की जनता, यहाँ के सभी वर्ग के लोगों ने, चाहे अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित हो, महादलित हो, यहाँ तक कि अल्पसंख्यक समाज के छोटे से हिस्से ने भी विजय लक्ष्मी देवी को जीत दिलाने में बहुत बड़ा काम किया है। इतना अंतर से जीत क्या माने जाए, क्या देखिए, अभी तो औपचारिक घोषणा हो जाने दीजिए, लेकिन जीत का अंतर तो बहुत ही अच्छा है। आप तमाम लोग, मीडिया के लोग, आप लोगों को जानकारी हुई होगी, हम ये आंकड़े आ जाए सही उस समय हम क्या अब लग रहा है कि सिवान की दशा और दिशा तय होगा, बदलेगा? अरे भाई, सिवान की दिशा और दशा कब खराब हुई? जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, जब से एनडीए की सरकार चल रही है, तभी से सिवान की दशा और दिशा ठीक ठाक चल रही है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। शुक्रिया, चलिए हमारी बातें हुई सिवान के लोगों से। हमारी अपील है कि सारे लोग धैर्य बनाए रखें, संयम से काम लें, शांति और सद्भाव बनाए रखें। कितना खुशी लग रहा है आपकी जो कैंडिडेट है वो आगे मोटो से चल रही है? सबसे पहले आपके एटीएन चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि हम लोग का पीसी आप ले रहे हैं। अब इससे ज़्यादा खुशी और किसी चीज़ में नहीं हो रही है। दो महीना से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग के मेहनत का नतीजा है कि आज विजय लक्ष्मी कुशवाहा भारी मतों से विजयी बन रही हैं। आप क्या कहिएगा? आपके चैनल को पहले धन्यवाद है। आज हमारे सिवान पूरे वासियों के इतना खुशी, जितना मेहनत हमारे कार्यकर्ता किए हैं, इतना खुशी कभी नहीं मिला है। आज इनका सफल हो गया मेहनत का, और हम चाहते हैं कि पूरा आज का जीत जो है शांति और अमन चैन से बिताएं। धन्यवाद। आपको क्या लग रहा है, कितनी खुशी आपके अंदर? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सिवान के अमन पसंद जनता को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और यह जो जीत है, जो जीत के और अंतिम चरण का चुनाव गिनती चल रही है, और काफ़ी अच्छे मतों से हम अंतर से हम आगे चल रहे हैं, और चुनाव निश्चित रूप से जीतेंगे हम लोग। हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सिवान के लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। यह जीत सिवान की गरीब, गुरबा, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के गरीब गुरबों की जीत है, और यह पूरा जीत का श्रेय सिवान के लोगों को जाता है, सिवान की जनता की जीत हो रही है। आपके अनुमान से कितने वोटों से जीत होगी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी? अरे, वो 50,000 से ज़्यादा मतों से चुनाव जीतेंगी, यह निश्चित है। आप क्या, कितनी खुश, कितना खुश हैं आप? सिवान की जनता ने एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी का ऐतिहासिक जीत आज दर्ज किया है, और आज सिवान की जनता धन्यवाद के पात्र है। उन्होंने विकट परिस्थिति में देश के लिए, सिवान के लिए और बिहार के लिए शांति कायम के लिए एक जनादेश दिया है। मैं सिवान की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपका क्या कहना है, कितने खुश हैं आप इस जीत से? देखिए, मैं तो आपके पहले चैनल को बधाई दूंगा, और मैं इस जनता, सिवान की जनता को बधाई दूंगा, चूँकि जनता ने पुनः सिवान में चमन, अमन चैन, शांति को चुना है, इसलिए पूरा पूरा श्रेय मैं इस जनता को दूंगा, सिवान की जनता को। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना खुशी मना रहे हैं आपकी जो प्रत्याशी है विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी, वो जीत रही हैं? काफी खुशी मनाओ तो इंसान से बढ़िया का खुशी मनाओ, क्योंकि पढ़ा का पूरा लड़का छोड़ा तरह जोर नौजवान के अंगड़ाई रोड पर दिखाई देता, वो देखत नहीं किए, पूरा लड़का एकदम झूमा तरह जोर, एकदम जीत के जुनून बा। सिवान वासी से क्या अपील रही? सिवान वासी से अपील है, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे जो लोग हम लोगों को वोट दिए, तमाम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। जीतने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इलेक्शन से पहले बहुत घुमाई हुआ, इलेक्शन से पहले बहुत घुमाई हुआ। कोई भी काम करने में मेहनत लगता है, मेहनत का फल अच्छा आता है। मेहनत सब लोग लगे हुए थे? हाँ बिल्कुल, फल मिला है बिल्कुल। ईमानदारी से सब लोग लगे थे, ईमानदारी से चुनाव जीत हो रही है। जो
मैडम का पहला काम होगा कौन सा होगा? अरे आज अभी घोषणा होके दी ना, ओकरा बाद आके ई बात के पूछे ब्रोदा। शपथ ले दी बिल्कुल मैडम, जीत रही है आपकी। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है ना उसका कोई अंत है, पूरा अपार खुशी एकदम, दिल गदगद हो गया है। क्या नाम पड़ी दो? मृत्युंजय कुशवाहा। आज जीत रहे हैं, कितनी खुशी है? अरे खुशी तो मैंने अब इसका ठिकाना है, बहुत खुशी है। अरे आगे तो अब तो रणनीति बना हुआ है, पहले व्यावसायिक आधिकारिक घोषणा हो जाए उसके बाद तो पूरा जिला में खुशमय ही खुशमय लोग मनाना शुरू कर देगा। और ये तो हम लोग पहले से भी जानते थे जो रमेश भाई कुशवाहा की पत्नी की जीत होगी, और वही माहौल अभी क्रिएट हो गया, चुनाव हम लोग जीत गए हैं और खुशी का माहौल लगा है। सीमान वासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई है, और उसके लिए हम अग्रिम बधाई भी देते हैं सर्टिफिकेट मिलने के पहले। अब क्या लगता है अब आ गया और कितनी वोटें पड़ेगी? और अभी ने लगभग 20-25 हजार और वोट अभी ला के बढ़े। बहुत खुशी है, और सबसे बड़ी खुशी जो सिवान की सम्मानित जनता है उसके बीच सबसे बड़ी खुशी है कि आज ये जीत जो है सिवान में एक ऐतिहासिक जीत हुआ है। चूंकि ऐतिहासिक जीत इसलिए कह रहे हैं कि इस चुनाव में जो है बहुत कुछ देखने को मिला है कि दल के अंदर और गठबंधन के कुछ सहयोगी दल में, यानी कई नेताओं के विरोध के बावजूद भी एक ऐतिहासिक जीत विजयलक्ष्मी कुशवाहा ने दर्ज की है। इसलिए यह जीत जो है पूर्ण रूपेण यह सिवान की जनता की जीत है। क्या लगता है आगे और कितनी वोटिंग बढ़ेगी? अभी बहुत वोट बढ़ेगा, आप तो देखते रहिए, गिनते जाइए ना, आप लोग तो गिनिए रहे हैं। 42,000 पार है। अरे तो भाई अभी 42,000 पार है तो वो 75,000-80,000 के करीब जाएगा डबल। लोगों से हम लोग यही अपील करना चाहते हैं कि जिस तरह से विजय लक्ष्मी देवी ने सिवान में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, आपका आशीर्वाद ऐसे ही सिवान बना रहे और सिवान में पूर्व की भांति भाईचारे कायम रहे। क्या लग रहा है, कितनी खुश हैं आप, आपकी प्रत्याशी जीत रही है? सबसे पहले आपके एटीएनएस को हम धन्यवाद देते हैं, इस जीत की अनंत खुशी हमारे अंदर, हमारे जनता के अंदर, हमारे कार्यकर्ता के अंदर इतना खुशी की लहर है कि अब सिवान नगरवासी पूरा क्षेत्रवासी महसूस कर रहा है, ठीक है। और इस जीत से हमारी विजयलक्ष्मी कुशवाहा को हमें हेलो तहे दिल से हम उनको धन्यवाद देते हैं। हमारे कार्यकर्ता बहुत मेहनत किए हैं, बहुत परिश्रम किए हैं, और ये सफल पाकर हमारे कार्यकर्ता बहुत खुश हैं, ठीक है। सिवान निवासियों से हम यही कहेंगे कि जीत खुशी अमन चैन और शांति से मनाए, कोई हुआ ना करे, शांति शांति बनाए। ये हमारी पार्टी जो है सम्मान की पार्टी है, और सबकी सम्मान हो, सबकी इज्जत हो, ये मेरी पार्टी की कामना है, और हमारी यही कामना है कि शांति शांति सिवान जिला में मनाए जीत खुशी। और हमारी जीत हुआ, हिंदुत्व का जीत हो गया, जातिवाद खत्म हो गया सिवान से।